गुड फेथ में। आज हम बात करेंगे कि अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं ना, भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबको प्यारे लगते हैं, ठीक है, तो उनसे भी ना प्यार करने से पहले भी आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए ताकि आपका ना मिस यूज ना हो। इस वीडियो में मैं आपको मिस यूज भी बताऊंगा और प्रोविजन भी बताऊंगा और फिर कुछ असली सत्य घटना जो होती है ना, असली में जिनके साथ बीती हुई है वो वाली घटना भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको ना फील हो कि हाँ यार ऐसा भी होता है और इस चीज़ से आप बच सको, ताकि आपकी लाइफ स्पॉइल ना हो, कल को आपको कोर्ट वोट के चक्कर ना काटने पड़े, आपकी बदनामी ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के लिए पता है क्या होता है, एक ना हमारे इंडिया में है पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो इसके सेक्शन है काफ़ी सारे, सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7 से। ठीक है, तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस आप जो एडवाइस है वो समझ लो, मतलब कहने का मतलब है वो समझ लो, जो मेन मोटो है वो समझ लो, सेक्शनों पे ज़्यादा इतना ध्यान ना दो कि कौन सा ही सेक्शन है। ठीक है, तो जो ये पोक्सो एक्ट है इसमें क्या होता है, वैसे तो ये गुड फेथ के लिए बनाया था कि मान लो अगर किसी छोटे बच्चे के साथ कोई बड़ा आदमी कोई वो कर दे। ठीक है, अब छोटे बच्चे की डेफिनेशन क्या है, 18 साल से जो कम बच्चे हैं वो छोटे बच्चे में आते हैं पोक्सो एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये बनाया तो गुड फेथ में ताकि भी किसी छोटे बच्चों के साथ गलत हरकत ना हो, क्यों छोटे होते हैं उन्हें क्या पता, लेकिन इस चीज़ का ना उनके पेरेंट्स मिसयूज करते हैं, खासकर जो किराएदार होते हैं ना, सपोज एक मकान मालिक है और उनके जो किराएदार हैं वो हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो इस लॉ का बहुत मिसयूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। एक ना एक केस था, उसमें क्या हुआ, एक मकान मालिक था और उनके ना उन्होंने ऊपर किराएदार रखे हुए थे, तो किराएदारों में बच्चे भी थे छोटे मोटे, तो आपको पता है जब बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत लगाव हो ही जाता है कि हाँ भाई हेलो हाय प्यार व्यार करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो किराएदार था उसका ना 2-3 महीने का ना किराया पेंडिंग था, किराया पेंडिंग था, तो अब उसको किराया पे करना था, तो किराया तो हो नहीं रहा था उस पर, तो उसने क्या किया, उसने आरोप लगा दिया कि भाई तूने मेरे बच्चों के साथ ऐसा ऐसा छेड़छाड़ किया, और उसकी जो महिला थी यानी जो किराएदार था उसकी जो वाइफ थी वो कंप्लेन कराने चली गई, यानी जो केस है वो फेक है। ठीक है, बस आप समझो, तो कंप्लेन कराने चली गई, तो कोर्ट में फिर वहाँ मकान मालिक को बुलाया वगैरह वगैरह, तो उनका समझौता कराया, तो समझौता में ये हुआ कि भाई ये हमसे 6 महीने का किराया ना मांगे तो मैं केस वापस ले लूँगी। ठीक है, किराएदार नहीं बोलती है कि मैं किराया वो केस वापस ले लूँगी, बस ये 6 महीने का किराया ना ले। ठीक है, अब देखो बात क्या थी, ठीक है, अगर तुम्हें न्याय चाहिए था तो यार तुम केस करते लड़ते बढ़ते। ठीक है, तो अब 6 महीने का, अब जो मकान मालिक था वो डर गया कि यार भाई केस पड़ेगा, खामा खाई वकीलों का खर्चा होगा, इससे अच्छा एक काम करता हूँ 6 महीने का एग्रीमेंट वो समझौता कर लेता हूँ और यहीं रफा दफा हो जाएगा और आपस में ही बात निपट जाएगा, बेइज्जती भी नहीं होगी, क्योंकि बेइज्जती होती है ना, हालांकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था पर वो उसकी बेइज्जती होगी। ठीक है, तो अब देखो उठाया ना गलत फ़ायदा। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई अगर कोई झूठी कंप्लेन देता है तो उसका वो भी है, वो है इस एक्ट में है सेक्शन 22 के तहत, लेकिन क्या होता है मामला कोर्ट में पहुंचने दे तब ना, वो तो तब होगा ना जब कोर्ट में आप जाओगे। यहाँ क्या होता है, भाई कंप्लेन दी, ठीक है, अगली पार्टी को बुला लिया पुलिस ने, उसके साथ बोल दिया हाँ भाई ऐसे ऐसे, तो उनके साथ आपस में समझौता हो गया, थोड़ा बहुत पुलिस को भी मिल गया रिवेन्यू और सेटलमेंट करा दिया, उसका भी फायदा हो गया और जो मकान मालिक था उसका नुकसान हो गया। कोर्ट में तो जाते ही नहीं ना, फेक कंप्लेन तो तब हम दिखाएं कि ये फेक है, उसके लिए तो हमें लड़ना पड़ता है, केस करना पड़ता है, हाँ भी देखेंगे, तो केस तक तो पहुँच नहीं देते ना, कंप्लेन करी पुलिस के पास गए, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत वो हुआ, उसको बुलाया गया और 6 महीने का माफ करा लिया। कराया ऐसे बहुत सारे किराएदार हैं, मकान मालिक है उनके साथ यही होता है। ठीक है, वो तो गुड फेथ में दे देते हैं, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका आरोप लगा के फिर मकान मालिक को फंसा देते हैं, फिर घर पे कब्जा कर लेते हैं, और 6 महीने 7 महीने ऐसे किराया चल रहा है। अब देखो आप 6 महीने का लगा लो, किसी भी नॉर्मल आप लगा लो 6 महीने का, 7-8 हज़ार तो हो गई 1 महीने का, अब कर दो 7-6 42,000 बचा लिए। ठीक है, तो देखो कितना गलत यूज़ हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ से बचो आप। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो भैया छोटे बच्चे हैं ना, अगर आपको लगता है छोटे बच्चे हैं तो उनको कभी भी अपना फ़ोन ना दें। ठीक है, किराएदार के फ़ोन है मतलब सॉरी किराएदार के जो बच्चे हैं उनको फ़ोन ना दो। अब फ़ोन क्यों ना दो, मैं इसके ऊपर आपको एक केस और बताऊंगा, यानी कि जो सत्य घटना है वो और बताऊंगा ताकि आपको और समझ में आए फ़ोन क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक है, पहले आप सुन लो क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा अकेला है तो उसके पास ना जाओ। ठीक है, होता है ना जैसे बच्चा अकेले होते हैं और आपके ऊपर आरोप लगाते, तो देखो इतना भी प्यार ना दिखाओ, अगर उसके पेरेंट्स हैं उनके सामने दिखाओ, अकेले में बच्चों के साथ प्यार ना दिखाओ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब आपका गलत यूज़ किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि यार अगर गलत होगा तो मेडिकल वेडिकल होगा, ये होगा, देखो यार मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ, वहाँ तक बात पहुँचनी नहीं देते ना। ठीक है, और सब लोग कोर्ट से डरते हैं,
कि भाई यार यहीं दब जाए, तो पुलिस के पास जाके सेटलमेंट कर लेंगे कि हाँ यार इसने ऐसा ऐसा किया है, तो वो उस बोलेंगे हाँ भाई अब तेरी क्या डिमांड है, तो किराएदार बोल देता है कि भाई मेरा 8 महीने का 6 महीने का किराया माफ कर दो और मैं अपना, ठीक है। तो ये ट्रैप है, आप बचो। अब हाँ, तो कभी अकेले में बच्चों को मतलब ऐसे लगाव ना दिखाएं, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स हो तो उनके साथ दिखाएं, अकेले में ना दिखाएं, और अपना फोन ना दें, और ना जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहीं आप अकेले में उनके साथ जाएं कहीं, होता है ना कि भाई आप छोटे बच्चों को लेके जाते हैं किसी को कुछ दिलाने के लिए या वगैरह वगैरह, तो उनको ये सब ना करें, ठीक है। और हाँ, अभी तक तो यही है, अब मैं आपको फ़ोन वाली बात बताता हूँ क्यों नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं आपको एक केस बताऊँगा, आपको उतना बेटर समझ में आएगा। एक पर्सन था, ठीक है, उसने अपने मतलब एक पर्सन था किराएदार, ठीक है, उसने अपने मालिक के पैसे देने थे कुछ, ठीक है, सुनना, तो पैसे देने थे। तो एक दिन क्या हुआ, अपना बच्चे को ना वो छोड़ के चला गया, कहाँ पे, घर पे, और वहाँ पे किराया वो मकान मालिक था घर पे। तो बच्चे होते हैं गेम खेलने के लिए मोबाइल ले लेते हैं, तो मोबाइल दे दिया, तो जो मालिक था ना उसके फ़ोन में ना थोड़ा अडल्ट कुछ पड़ा था, तो वो उस बच्चे ने चला लिया। तो जो वो मालिक आया, सॉरी जो किराएदार आया, तो उसने देख लिया कि बच्चा क्या देख रहा है। तो इसी बात को लेके ना मतलब बहुत डिस्प्यूट हुआ कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया है, ये है वो है, और इसका प्रोविज़न भी है पोक्सो एक्ट में हमारे कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी करते हो तो आपको सजा हो सकती है। तो गए वहाँ पे पुलिस के पास, गए, सेटलमेंट हुआ, उनको डाटा वाटा, तो उसने उसका 10 महीने का किराया माफ़ करना पड़ा, 10 महीने का, आप देख लो बात कुछ थी। और आके कहाँ ख़त्म हुई, रेवेन्यू पे, यानी कि पैसे बच गए, उसका काम हो गया, और 10 महीने, ठीक है, और घर में भी उसको जगह मिल रही है, अब देख सकते हो आप। और आपको पता है हर लोग कोर्ट से डरते हैं, हालांकि सेक्शन 22 है, अगर कोई फॉल्स केस करता है उसको लड़ने के लिए सेक्शन 22 है, पर वो ये ना जब वो पहली सेटलमेंट कर लेते हैं कोर्ट में तो जाते ही नहीं है, समझ रहे हो। और हर लोग डरते हैं यार कोर्ट में जाना पड़ेगा, उन्हें पता होता नहीं है कि यार ये सेटलमेंट कुछ मानने नहीं रखता, आप इसको चैलेंज कर सकते हो, पर वो ये सोचते हैं कि कौन पड़े पचड़े में, छोड़ो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, यानी कि मोरल ऑफ द वीडियो ये है कि भाई अगर आप बच्चों से प्यार करते हो, कोई भी छोटा मोटा है, तो एक लिमिट रखो, ठीक है, और अपनी सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि ना ऐसे तो आपको ना प्यार के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में बहुत फंसाया जा सकता है। और इसमें जो प्रोविज़न है ना, जो पनिशमेंट है, वो बहुत पक्की पक्की पनिशमेंट है, मतलब चाइल्ड को अगर आप ऐसे करते हो और आप प्रूफ हो जाते हो, मतलब प्रूफ कर देती है अगली पार्टी, तो आपको बहुत सजा हो सकती है, ठीक है, 7 से लेके 20 तक साल की इसमें सजा है, ठीक है, इवन डेथ पेनल्टी भी है अगर पेनिट्रेटेड करते हैं किसी को, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूफ हो जाता है तो, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा होता नहीं, ऐसे बहुत होते भी हैं, कुछ गिल्टी माइंड होते हैं वो करते भी हैं, लेकिन मिसयूज भी बहुत होता है इंडिया में, ठीक है। तो इस चीज़ से बचो, बच्चों से प्यार करो, ठीक है अपनी जगह, लेकिन पोक्सो एक्ट का भी ध्यान रखो, ठीक है। तो मैंने आपको एडवाइस दे दिया, फ़ोन वोन ना दो, अगर आपको लगता है कि अकेले में है बच्चा तो उसकी भी रिकॉर्डिंग रखो, कल को आप प्रूफ कर लो कि हाँ यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आपको फंसाया जा सकता है। तो ये ट्रैप है, आप बचो। सो आई होप इट इज़ क्लियर। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या फिर मतलब हो सकता है किसी और के साथ हुआ है, तो आप हमें इंस्टा पे क्वेरी लिख सकते हो और एडवाइस ले सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो, हम आपको वहाँ पे एडवाइस कर देंगे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना सारी बातें नहीं बोल सकते ना हम कैमरे पे, क्योंकि फिर अगर हमें न्यूट्रल रखना पड़ता है ना सब चीज़। तो अगर हम मान लो किसी के फेवर में बोलें, किसी को अगेंस्ट लग जाए वो, और होता ही यही है, किसी के अगेंस्ट में किसी के फेवर में, तो उनको भी दिक्कत हो जाती है। अब हम वीडियो लेडीज़ के ऊपर बनाते हैं तो जेंट्स को लगता है कि यार ये तो, अब जेंट्स के ऊपर बनाते हैं तो लेडीज़ों को लगता है ये, तो भाई हम तो न्यूट्रल होना पड़ता है ना हमें। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। और डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर हैं, अगर आपको इंस्टेंट सर्विस चाहिए तो आप वहाँ जाके कॉल कर सकते हो। ओके, तो कुछ लोग पूछते हैं कि यार ये चश्मा क्यों लगाते हो रात में, तो देखो इसका भी ना एक वो है, रीज़न है, पता क्या होता है, पहले ना हम कैमरे से शूट करते थे स्टूडियो में, तो वहाँ क्या होता था, कैमरे का लेंस होता था इतना बड़ा, तो उसमें देखते थे ना तो सामने पता नहीं चलता था, कि उसमें लगता था कि हाँ भी हम वीडियो में ही देख रहे हैं। अब फ़ोन में क्या होता है, अभी फ़ोन से शूट हो रहा है, तो फ़ोन में ना इतना सा वो होता है, तो उसको मतलब उसमें देखा नहीं जाता बार बार कि भाई उसमें, तो उसमें ना निगाहें इधर उधर होती हैं, तो ये नाइट चश्मा है वैसे, पहले मैं आपको बता दूँ, तो ये लगाना पड़ता है कि हाँ यार उसमें ऐसा लगे कि हाँ भाई बंदा इधर ही देख रहा है, कि इधर उधर नहीं देख रहा। फिर ना ऐसे लगता है कि यार ये किसको बता रहा है, मतलब आईज कॉन्टैक्ट इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर अजीब सा लगता है, तो ये है इसका रीज़न। ओके, और वैसे भी ना नाइट चश्मा ये कोई मतलब ऐसे वैसा नहीं है कि यार दिन में ही पहनते हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। चिल मैन, चिल, बी अवेयर, बी सेफ।